रोला स्क्वायर की जो है वो ये है निशानी, और वो रही मार्केट, और हम जा रहे हैं मार्केट में। दूसरी चीज़ें ये देखते हैं कि रोला मार्केट में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, आने की वजह क्या है? आप लोग सोच रहे हो यार ये आने की वजह क्या है? मैंने सुना था कि जैसे कि हमारे यहाँ सदर का बाज़ार होता है लाइक ये वो, तो यहाँ पर फ्राइडे के दिन जब सबकी छुट्टी होती है, आज तो फ्राइडे नहीं है, टुडे तो संडे, तो जब फ्राइडे को सबकी छुट्टी होती है तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान इंडिया मतलब जगह जगह से आए हुए हैं वो लोग यहाँ आते हैं और वो यहाँ पर एक चीप शॉपिंग करते हैं। बाहर से चलते हैं पहले, बाहर मेन रोड का दिखाते हैं कि मेन रोड पे क्या है। जैसे शारजा जैकेट यार बड़ी मस्त लग रही है, तो हाउ मच इट इज़, इस पर टैग नहीं लगा हुआ, आई थिंक इस पर टैग नहीं है। ये जैकेट मुझे अच्छी लग रही है, ब्लैक कलर की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर एंजॉय माय व्लॉग्स, माय प्रीवियस व्लॉग्स, एंड टुडे इज़ अनदर डेस्टिनेशन। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द रोला मार्केट एंड यू नो रोला स्क्वायर एज वेल। तो रोला स्क्वायर भी दिखाऊंगा, रोला मार्केट भी दिखाऊंगा, जो मेरी डेस्टिनेशन से अराउंड कुछ अगर वॉकिंग डिस्टेंस से जाया जाए तो कुछ 35 to 40 minutes की वॉकिंग डिस्टेंस है, और अदरवाइज थोड़ा सा गाड़ी से जाया जाए तो बहुत करीब है, कुछ अराउंड 13 minutes का एक रास्ता है। तो आज का प्लान ये है कि मैं रोला मार्केट और रोला स्क्वायर दिखाऊं आपको कि वहाँ पर किस तरह से एक शॉपिंग वगैरह होती है, चीज़ें वीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो दिखाता हूँ आज आपको कि क्या किस तरह से माहौल है वहाँ पर। ठीक है, सो गाइस जर्नी हैज़ बीन स्टार्टेड, और देखें आप आज रोला स्क्वायर और रोला पार्क दिखाता हूँ आपको कैसा है, किस तरह से शारजा की गलियाँ, और मैं अकेले अकेले इस गलियों में घूम रहा हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आज कुछ 4th-5th दिन हो चुका है और सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, यानी कि सुकून है यार, रिलैक्सेशन है बहुत ज़्यादा, बहुत जिसे कहते हैं शदीद रिलैक्सेशन है। बस ये कि कुछ डिसिप्लिन का ख्याल रखना है, गाड़ियों का ख्याल रखना है कि किस तरह से गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, किस तरह से चीज़ें, हमें बस डिसिप्लिन का ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना शदीद वाला, तो वो ख्याल रखना है। बाकी सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और मैप देखना पड़ता है बार बार यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिनेरियो ऐसा है कि मैप देखे बिना आप पहुँच नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए नई डेस्टिनेशन हैं, नई लोकेशंस हैं, तो इस वजह से। बाकी ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी परफेक्ट, और बहुत ही ज़बरदस्त मेरा जो है वो एक्सपीरियंस है शारजा का। तो प्लान तो यही है कि मैं शारजा आपको अच्छे तरीके से घुमाऊंगा बहुत ज़्यादा, और अभी आगे कुछ, और सामने एक बहुत अच्छी सी मस्जिद नज़र आ रही है, और इस तरह की शॉप्स यहाँ पर, शूज़ शॉप नज़र आ रही है आपको 10 dirham में, यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छा शूज़ मिल जाएगा, और सही यानी कि अच्छा खासा इसे कहते ना, वो बच्चे खेल रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सब कुछ मज़ा ही मज़ा एकदम, जिसे कहते हैं ना मज़ा ही मज़ा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि सामने ना एक बहुत अच्छी मस्जिद है, तो मैं मस्जिद को भी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, कि मस्जिद दिखाता हूँ। रोला स्क्वायर पहुँचते पहुँचते बहुत कुछ देख लेंगे आज, और सारी गलियाँ घुमा दूँगा एक करके, और ये देखो सुकून रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस जगह का नाम है बुदानिक, और इसे मतलब शगारा भी कहते हैं और समथिंग, इसे पाकिस्तानी और बहुत सारे लोग यहाँ पर मिल ही जाते हैं, इंडियंस भी और बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी मैं फिर आगे जाऊँगा और आगे दिखाता हूँ। फाइनली जो है वो मैं अल मोहतानी अल इस्तकलाल स्क्वायर तक पहुँच गया हूँ, और दिस इज़ कॉल्ड एवरीवेयर इज़ अ मोबाइल मार्केट, तो सम पीपल्स आर सेड दैट दिस इज़ द मोबाइल स्क्वायर एज वेल, तो ये मोबाइल स्क्वायर भी कहलाता है। ये सब मार्केट नज़र आ रही है आपको, ये पूरी मोबाइल मार्केट है यहाँ पर, और यहाँ से वहाँ तक, और रोड के उस पार भी मोबाइल मार्केट है सारी। अब यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं, अब यहाँ के बाद का रास्ता जो है वो अभी मेरे मैप पे देखेंगे मज़ीद, और फिर आगे चलते जाएंगे। तो ये पूरी मोबाइल मार्केट है, और यहाँ पे उसी तरह के मोबाइल मिलते हैं जिस तरह हमारी तरफ मिलते हैं, और बस ये कि क्वालिटी अच्छी है, बेटर है क्वालिटी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर ये कि छोटे छोटे डिस्टेंस के ऊपर जो है वो मस्जिदें हैं, अभी एक मस्जिद और मुझे सामने नज़र आ रही है, वो भी बहुत अच्छी है, तो मैं आपको ये मस्जिद भी दिखाता हूँ। और देयर इज़ अनदर मॉस्क्यू जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो यही चीज़ें हैं सारी यहाँ पर, मोस्टली इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं, और आगे चलते हैं बस, वरना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। राइट नाउ आई एम हेयर, और यहाँ पर रुकने की वजह ये है कि ये है अलजुबेल, अगर आपको नज़र आ रहा है कि अलजुबेल, अलसूर, अलमराजा और ये सारी चीज़ें, तो अलजुबेल का सिलसिला ये है कि यहाँ रुककर, बताने का मतलब ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर आपको दुबई जाना है, अजमान जाना है, कहीं भी जाना है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ये एक बेस्ट स्टॉप है, जहाँ ईजिली हर चीज़ मिल जाती है। और यहाँ पर भी पाकिस्तान की तरह कुछ लोग हैं जो हाँ भाई लियारी लियारी लियारी, हाँ भाई लाहौर 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 वाली कहानी, जो शेयरिंग टैक्सी का सिलसिला, लेकिन वो इलीगल है, तो उसको कभी भी यूज़ नहीं करें, ये मुझे कल पता चला था इसलिए मैंने बताया। बट अलजुबेल स्टॉप है ये, यहाँ से ईजिली बस मिल जाती है। तो अभी हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि हमें आगे जाना है, और पता नहीं मार्केट में कितना टाइम लग जाए, तो हम वो विज़िट करते चलते। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग जर्नी, नॉट लॉन्ग, इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी,
आफ्टर वेरी लॉन्ग जर्नी भाई पैदल वॉक करते 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 फाइनली आई एम एट रोला स्क्वायर, और पहुँचते पहुँचते दिन में निकले थे और रात हो गई है, तो ये ही ट्रैवलिंग में होता है और ट्रैवलिंग के यही उसूल हैं कि आपको दिन और रात का पता नहीं होता। तो फिलहाल हम आ गए हैं रोला स्क्वायर पे, और रोला स्क्वायर हेयर, और एक चीज़ क्या है अजीब सी, वो ये चीज़ है कि भाई रोला स्क्वायर पार्क, तो पार्क में तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, देयर इज़ नथिंग, बट जो है वो पार्क घूमने का फ़ायदा नहीं, हम जाएंगे रोला मॉल एंड रोला मार्केट, हम रोला मार्केट और रोला स्क्वायर की तरफ चले जाएंगे और मॉल घूम देंगे, मॉल में क्या क्या चीज़ें, और दूसरी चीज़ें ये देखते हैं कि रोला मार्केट में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, आने की वजह क्या है, आप लोग सोचोगे यार ये आने की वजह क्या है, मैंने सुना था कि जैसे कि हमारे यहाँ सदर का बाज़ार होता है लाइक ये वो, तो यहाँ पर फ्राइडे के दिन जब सबकी छुट्टी होती है, आज तो फ्राइडे नहीं है, टुडे तो संडे, तो जब फ्राइडे को सबकी छुट्टी होती है तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान इंडिया मतलब जगह जगह से आए हुए हैं वो लोग यहाँ आते हैं और वो यहाँ पर एक चीप शॉपिंग करते हैं, तो हम चल के देखते हैं कि वाकई चीप शॉपिंग है या नहीं है, और डिसिप्लिन में दिखाता हूँ लोगों को, यहाँ पे लोगों का डिसिप्लिन क्या है। अगर गाड़ियाँ रुकी हुई हैं तो कोई भाई नहीं, मतलब यानी कि पार्क करने के लिए आपको गाड़ियाँ और सिग्नल्स का रुकना बहुत ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं फिलहाल हम अपने रोला की तरफ, यानी कि रोला स्क्वायर की तरफ, पार्क नहीं जा रहे हैं, पार्क में कुछ भी नहीं है और सब वैसा ही है। अच्छा, यहाँ पे एक सिनेरियो क्या है, यहाँ सिनेरियो है कि जब फ्राइडे को सबकी छुट्टी होती है तो जितना भी मज़दूर तबका है, यानी कि जो ऐसा है जो बहुत लो कॉस्ट पे काम करते हैं, जो ऐसे जगहों पे काम करते हैं यानी कि इनकी सैलरी कम है, तो क्या करते हैं वो इस तरह आके वो पार्क में जमा हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कंपनी की एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी इनको फिर एक साथ ही भर कर ले जाती है, तो वो लोग आते हैं उनको छोड़ के जाते हैं और वो आते हैं उनको लेकर जाते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं इनकी। अब ये सारे वेट कर रहे हैं किसका, कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि गाड़ी आएगी और ये सबको लेके जाएगी, बस इतना सा काम है अभी। लेकिन हमारा काम ये नहीं था, बस मैंने जो चीज़ सुनी थी वो मैंने बताई कि भाई ये चीज़ें हमने सुनी थी और ये मैंने आपको जो है शो कर दिया। अब बस हम जाएंगे मार्केट में और देखेंगे कि भाई मार्केट के अंदर बेसिकली क्या है, और बाकी चीप शॉपिंग हो भी रही है या मतलब ऐसा ही कुछ चल रहा है सिलसिला कि बस। अच्छा, यहाँ की कुछ एक दो चीज़ें मैंने और सुनी है, थोड़ा बहुत होमवर्क कर आया हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होमवर्क कर आया हूँ, सुनकर और पूछकर आया हूँ, जगह तो नहीं है मेरे लिए, तो आई थिंक बहुत एग्जैक्ट लोकेशंस पर ना लेके जा पाऊँ, लेकिन फ़िलहाल मार्केट मुझे नज़र आ गई है, चौक मुझे नज़र आ गई है, और ऑल रोला स्ट्रीट यानी कि रोला स्ट्रीट नज़र आ गई है। तो मैं इसका सबसे पहले आपको वो दिखाता हूँ, ये इसका एक छोटा सा जो डेस्टिनेशन है, जो लोकेशन है, वो लोकेशन ये है कि यहाँ पर एक चौक बनी हुई है और इस चौक को ही आई थिंक ये रोला स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। तो अब ये वाली चीज़ हम करते हैं और हम आगे चलते हैं रोला मॉल पे, रोला मॉल भी देखूंगा कि रोला मॉल में क्या चीज़ें, और साथ में रोला मॉल के बाद फिर जाएंगे मार्केट वो वाली पे। तो रोड क्रॉस करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात हमें अपना जो एक वो है स्टॉप जो है वो रोकना पड़ेगा, यानी कैमरा रोकना पड़ेगा रोड क्रॉस करके, फिर मार्केट में जाके फिर बात करते हैं आपसे। रोला स्क्वायर की जो है वो ये है निशानी, और वो रही मार्केट, और हम जा रहे हैं मार्केट में, और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये नज़र आ रहा है रोला मॉल। रोला मॉल में भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बस इतना ही सुना है कि यहाँ पे ज़्यादातर, और मैंने ना ये कोबरा कैफ़े, ये कोबरा कैफ़े जो है ना इसके अंदर मैंने सुना है चिकन बहुत सस्ती और बहुत अच्छी मिलती है, तो अभी जाएंगे देखेंगे कि क्या क्या सिलसिला है। कोबरा विज़िट करने का टाइम मिला तो ठीक है, वरना हमारे पास अभी बहुत सारा काम है और हमें बहुत सारी चीज़ें दिखानी है वहाँ पर, वरना आप लोग बोलोगे यार तुम रोला रोला करते हैं और ये क्या रोला है कि रोला पाया। ठीक है, चलते हैं हम अपने जानेब मार्केट पर। फाइनली जो है वो मार्केट शुरू हो गई है, और देखते हैं कि भाई क्या चीप प्राइस है, क्या चीज़ें मिल रही हैं। टी शर्ट्स वगैरह मिल रही हैं भाई 15 धर्म में, 10 धर्म में, यहाँ पे बैग्स वगैरह भी मिल रहे हैं, चीज़ें हैं यहाँ पर, और 15 धर्म में आपको ये वाली टी शर्ट मिल रही है 15 धर्म में। अच्छा, क्या है हमारे यहाँ पाकिस्तान में उसमें क्या है, हम लोग कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि भाई धर्म कितने का चल रहा है, कितने का चल रहा है, कितने चल रहा है। तो बेसिकली कंपैरिजन करने से पहले ये देखें कि आप इस वक्त आप इन शारजा में हैं, और अगर शारजा में और आपकी सैलरी आपको शारजा के हिसाब से मिल रही है DHS में, तो आपको डेफिनेटली 10 रुपये में, यानी कि एज पर 10 रुपीज़ में आपको ये शर्ट मिल रही है। तो यू गाइस कैन इमेजिन, अच्छी तो नहीं लग रही मुझे, लेकिन फिर भी मिल रही है। तो इस तरह के कुछ और ब्रांड्स हैं, कुछ ये देखें जैकेट्स वगैरह टंगी हुई डिफरेंट। अब ये 15 रुपये में, 10 रुपये में और 5 रुपये में भी टी शर्ट्स मिल रही है। लुक एट देयर, 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, 5 रुपये में, तो वाकई ये डेफिनेटली चीप प्राइस ही हैं, और शर्ट टी शर्ट्स भी अच्छी हैं, टी शर्ट भी सही है यार, बुरी नहीं है, यानी कि आप पहन सकते हो इजीली। ओए लग जा वापस भाई। तो 10 में कैप्स वगैरह भी मौजूद हैं अंदर, बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें, अच्छी खासी बड़ी मार्केट है यार, अच्छी खासी बड़ी मार्केट है। और सही कह रहे थे कि बाकी चीप
प्राइजेस हैं, 15 रुपये में ट्राउज़र मिल रहा है आपको, बच्चों की शर्ट्स और बड़ों का भी। अब मैं ये तो नहीं पूछ सकता कि किस तरह से, बट यार ये अच्छी बड़ी है मार्केट। हम बाहर से चलते हैं, पहले बाहर मेन रोड का दिखाते हैं कि मेन रोड पे क्या है। ये शारजा जैकेट यार बड़ी मस्त लग रही है। हाउ मच इट इज़? इस पर टैग नहीं लगा, आई थिंक इस पर टैग नहीं है। ये जैकेट मुझे अच्छी लग रही है, ब्लैक कलर की। हाँ ले ले भाई, ले ले भाई, 15 रुपया। हाउ मच इट इज दिस ब्लैक वन? 65। दिस इज द 65 dirhams। तो आपको मिलेगी आपके मुल्क में, मतलब इतना ये वाली जैकेट आपको मिलेगी 65 dirhams में। इतनी खूबसूरत जैकेट, और जैकेट के साथ साथ कहाँ मिलेगा आपको बताओ? ये सारा सब ये रोला बाजार। अब समझ में आया कि लोग क्यों इसको कहते हैं। अच्छा, हमारे सदर में भी नहीं मिलती इतनी सस्ती। और ये सारी मार्केट इस तरह 10 रुपये। और कुछ यार, दिस टी शर्ट इज़ वेरी गुड, ओनली 15 रुपीज़। ठीक है, लेकिन मसला क्या, हम कंपेरिजन करेंगे भाई, 61 का दिरहम चल रहा है, 61 और इस वन इज़ वेरी गुड। अच्छा सीन क्या है, दिस टी शर्ट इज़ वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छी लग रही है टी शर्ट। ठीक है, अब सीन क्या है कि हम कंपैरिजन क्या करेंगे, तो 15 रुपये की है टी शर्ट, तो अब कंपैरिजन हमारा रहेगा 15 मल्टीप्लाई बाय 61 मल्टीप्लाई बाय 15, और फिर जितने की शर्ट पड़ रही है, पागल हूँ क्या मैं इतनी महंगी लूँ, पाकिस्तान से ले लूँ? भाई यहाँ रह रहे हो, सैलरी यहाँ के हिसाब से मिलेगी, तो कंपैरिजन किस चीज़ का? तो रेट कंपैरिजन उस सेंस में करते हैं, रेट कंपैरिजन जिस सेंस में आपको ये पता होता है कि भाई अब हम जहाँ के हिसाब से सैलरी ले रहे हैं, तो कंपैरिजन आई डोंट थिंक ये अच्छा होता है। हम अभी आगे चलते हैं, और भी चीज़ें यहाँ, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, दिखाता हूँ। और क्योंकि मैं सेल्फ़ी ले लूँगा तो फिर सेल्फी स्टिक में जो है वो फिर बैक की वीडियो नहीं आ रही, तो वो चीज़ें मैं बना नहीं पा रहा हूँ। हर तरह की शॉप मिलेंगे आपको यहाँ पे, ये प्राइमो स्वीट स्ट्रीट, यहाँ पे जो है वो बादाम वगैरह ये सब चीज़ आपको मिल सकती है इजीली। और भी मज़ीद चीज़ें यहाँ पर बहुत हैं। अच्छा मैं आ गया हूँ अंदर की तरफ मार्केट के शायद, लेकिन चलते हैं इधर विज़िट करते हैं इधर क्या क्या चीज़ें हैं। कंबल ब्लैंकेट वगैरह अगर तुम लोगों को अपनी मतलब उसके लिए चाहिए हो चीज़ें, तो मैं बोलो तो पूछ के बताऊँ तुम लोग को थोड़ा सा। सो यहाँ पर मैं एक ब्लैंकेट की शॉप में आया हूँ, तो मैंने सोचा कि यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं आपको थोड़ा थोड़ा पूछ के बताऊँ कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कभी नियरेस्ट, क्योंकि क्या मैं बार बार वीडियो में ये चीज़ बता रहा हूँ, कंपेरिजन इट इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं, ब्लैंकेट्स काफ़ी अच्छे अच्छे रखे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है। तो अगर आप लोग बोलोगे तो बुकिंग करा दो मुझसे, मैं ये पहुँचा दूंगा। फिलहाल शारजा की जो चीज़ें हैं वो मैं पहुँचा सकता हूँ जब तक पहुँचा दूंगा। और इनसे थोड़े से रेट पूछते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा मुझे इसके बारे में रेट बताइएगा थोड़े से, आपका नाम ये फवाज भाई हैं, ये हमें थोड़े से रेट बताएंगे। अगर सिंगल बेड शीट की चीज़ें चाहिए हो, डबल बेड शीट, कौन कौन से ब्लैंकेट अवेलेबल होते हैं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, आप बताएं। सिंगल ब्लैंकेट अभी 30-35 दरम से स्टार्ट। अच्छा कितनी कैटेगरी होती है ब्लैंकेट्स में, सिंगल डबल और या बड़े बेड की, और साइजेस का मसला होता है? हाँ हाँ, तीन साइज आते हैं, एक से तो सिंगल, एक तो किंग साइज है और क्वीन साइज है। ओके, तीन साइज है, किंग साइज आता है, क्वीन साइज आता है, और एक नॉर्मल सिंगल साइज आता है। अच्छा इनके सिंगल साइज वाले के प्राइस कितने होते हैं एटलीस्ट यहाँ पे? स्टार्टिंग 30 और कहाँ तक जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट एक्सपेंसिव कितना हो सकता है? 90-100 का अंदर ही होते हैं। 30 से स्टार्ट है, और क्वालिटी पर डिपेंड करता है, अगर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो फिर बहुत ज़्यादा भी जाएगा, तो 90 पर जाएगा, दैट्स इट। तो ये फवाज भाई की शॉप है, फवाज भाई एड्रेस बताएं ज़रा इनको। ये रोला माल का बिल्कुल साथ है, ये अपोजिट साइड में, रोला के बिल्कुल अपोजिट साइड, जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया है उसके अपोजिट है बिल्कुल। तो यहाँ आप आएंगे तो इंशाल्लाह फवाज भाई डबल कंबल भी आपको 60 दिरहम से 120-140 तक डबल भी होता है, वो भी चीज़ें मिल जाएंगी। फवाज भाई थैंक यू, फवाज भाई बहुत शुक्रिया। अभी आगे चलता हूँ मैं, आगे भी लोगों की चीज़ें दिखाता हूँ कि, और यहाँ पे इतना महंगाई नहीं है जितना लोगों ने गाया हुआ है कि इतना महंगा, लेकिन ये चीज़ें अच्छी हैं, डिस्काउंट मिलता है हमेशा, वीडियो के तवस्तु से हमेशा डिस्काउंट मिल जाता। तो ये फवाज भाई की शॉप है, शॉप देख लो, अलवार सी रेडी, ठीक है बिल्कुल, ये रोला मॉल, बिल्कुल रोला मॉल के बिल्कुल सामने एकदम, रोला मॉल भी चाहेंगे वहाँ का भी विजिट करेंगे, रोला मॉल के सामने। तो फवाद भाई बहुत शुक्रिया आपका, तो दोस्ती तो बनी जाती है, दोस्त थोड़ी सी दोस्ती बस करनी पड़ती है फिर बनी जाती हैं चीज़ें। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी हैं भाई, अब ड्राई फ्रूट की बात मैं कुछ और दिखाता हूँ।